यो गाइस व्हाट्स अप। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अचानक व्लॉग, ओह माय गॉड व्हाट अ सरप्राइज। तो यस यू गाइस आर राइट, बहुत ही खतरनाक हैवी वाला सरप्राइज आप सभी के लिए। और मैं तैयार हो चुका हूँ, अभी बच चुके हैं अपने 4 दोपहर के और मुझे जाना है मुंबई। मुंबई से मेरी फ्लाइट है। कहाँ जा रहा हूँ यू नेवर न्यू, लेट्स गो। यो गाइज आई एम ऑल सेट टू गो, अभी हम जा रहे हैं मुंबई। मुंबई से फ्लाइट है मेरी दुबई के लिए, दुबई तक, फिर दुबई से कनेक्टिंग फ्लाइट है। कहाँ जा रहा हूँ, लेट्स सी। भूख लगी है तो खाने के लिए रुके हुए रास्ते में, गाड़ी लेके जा रहे हैं तो थोड़ा। फिर उसके बाद हम जाएंगे सीधा मुंबई एयरपोर्ट पे, फिर मिलते हैं वहीं पे। भूख लगी, इतना लेट कर रहे हैं ये लोग, यहीं पे ना मर जाऊँ भाई। अभी तो बहुत दूर तक जाना है और फ्लाइट्स कितने आवर्स, ट्रैवलिंग जर्नी मेरे 28 आवर्स की भाई। मुझे तो खा के ही जाना पड़ेगा वरना ना दिक्कत हो जाएगी हैवी वाली। यार ये लाइट के ऊपर ही है ना, तो देखते हैं कैसे कुछ अच्छा खाना वाना मिलता है यहाँ पे। या फिर इंडिया का लास्ट मील काइंड ऑफ मेरा। नहीं यार एयरपोर्ट पे खाऊंगा ना, खाना ही नहीं आ रहा, इतना लेट सर्विस, इतना गंदा भाई। आधा तो भूखा ही जा रहा हूँ मैं तो, खड़ा हो गया फिर मैं, का नहीं खाना मेरे को यार। चलो कोई ना, एयरपोर्ट पे जाके कुछ खा लेंगे। अभी तो बहुत टाइम है बताए। शिट, अभी मेरे को पहुँचने में हो जाएंगे 8-9 बज जाएंगे, फिर वहाँ पे जाके सबसे मिलूँगा, देन बाकी सब बातें होगी। तब तक के लिए तो कोई बात नहीं, चलो मिलते हैं फिर वहाँ जाके ही सब सीन देखेंगे। अभी तब तक के लिए चला रहा है भाई, देखिए। ओ भाई कितना गोरा गोरा लग रहा है ना। यो निगर्स, अपन पहुँच गए, देखो कौन आ गया अपने साथ। सुबह के 4 बजे फ्लाइट है। ये देखो जॉन्टी भाई, अमित भाई, मेरा बेटा, हाँ सॉरी फौजी अजय शर्मा, और ये है हमारे एकलौते, नहीं एक और प्लेयर आने वाले हैं, फ्री फायर के प्लेयर हैं ये। इनका नाम क्या नाम है, श्री दिन भाई। ये बड़ौड़ा से है, अपने गुजरात से ही है, डोंट वेरी। इनके साथ बहुत कंटेंट आने वाले हैं। हाँ प्लेयर है, रेंडम प्लेयर, फ्री फायर खेलते वो वैसे टाइप, यकीन नहीं हो रहा है ये बोल रहे। आ गए थे के तमें फ्री फायर में एडमिन के ऊपर सोचोगे हम प्लेयर थे। और ये भी एक प्लेयर है, आपका नाम विवेक भाई है। ये विवेक भाई है गाइस, हम मिलेंगे और 10 दिन इनके साथ ही निकालने हमें। आप अमित बाल तो तुम्हारे बड़े करो ना। तो गाइज अभी अपना हो चुका है इमिग्रेशन का, सब वो सब चीज़ें हो चुकी है और ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 2 बज गए हैं, मतलब 2 बजने वाले हैं और थक गया हूँ मैं तो, सोना है अब मेरे को। अमित भाई आ चुके हैं यहाँ पे, चौंटी भाई और फौजी भाई ऐसे ही, और बहुत एक्साइटेड हूँ फॉर ब्राज़ील। लेट्स सी द फनी सा कंटेंट बना रहा हूँ, आएगा धीरे 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 धीरे। एक एक करके आगे आ रहे हैं और पीछे लिखा है 2019 ये, 2021 ये, 2022 ये। सुनो वो बात सब ठीक है, अरे वो सब ठीक है गाइस, मेरे पास मेरे साथ ऐसे 2 बंदे बैठे हैं जो एक बार, हाँ ठीक है मैं बोलता हूँ, मेरे साथ अच्छे लग रहे हैं, लाइटिंग भी अच्छी लग रही है यार पीछे। बट देखो ना अमित भाई, आपको पता है मेरे साथ ऐसे 2 कैप्टन बैठे हैं जो ना टूर्नामेंट में ऐसे 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 करके थोड़े बैग चले जाते हैं, फिर अचानक से कैसे टूर्नामेंट जीत जाते हैं। वो वाला WEC का एक और एक वो कौन सा स्टेट, वो
अरे भाई स्टेट वॉर में गुजरात की टीम भी थी क्या? वो सब तो ठीक है, तेरा तो लखनऊ इवेंट था ना। क्या हो गया? हम सब तीनों का लखनऊ इवेंट, तीनों की टीम। वो उन्होंने बोला वासियों को मिलने कोई आ नहीं रहा। बताओ इसको। उन्होंने बोला वासियों के फैंस आ ही नहीं रहे। वाह, मेरे इतने फैंस थे ना भाई, मजाक चढ़ गया। लाइन में भी मना कर दिया कि सर आप और वैसे भी मत आना। भाई मेरे को चार मैसेज आए थे घंटा। पता क्या बोला होगा उसको? बोला होगा कि भाई आप वैसे भी मत आओ, टिकट लेके। मेरे पास इंट्रो का मस्त आइडिया है। क्या बोल दो? हां मैं बोलूंगा। ऐसे ही बीरोल ले ले रहा हूँ। कैमरा खोल यार। मैं क्या बोल रहा हूँ जोंडी भाई, कैसे लग रहा है दुबई में लैंड होके? दुबई, ओ दुबई इतने दुबई इंटरनेशनल। गाइस हम दुबई इंटरनेशनल पहुँच गए, अभी हम जा रहे हैं, अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट है। तो गाइस अभी अपना बोर्डिंग हो रहे हैं ब्राजील की फ्लाइट के लिए। फौजी अजय शर्मा, हेलो फौजी अजय शर्मा, हाउ आर यू? हेलो बाय। 14 घंटे की फ्लाइट के बाद हम फाइनली 14 घंटे ज़्यादा हो गए भाई। 16 नहीं तो हो गए कि पता नहीं चला पाता कितने हो गए ना, इसमें दिखाएगा ना, देख के बताते हैं। भाई मैं तो थक गया, मेरा तो मुंह भी ऐसा घूमता गया। हाँ चल कैसे लाल ला रही है कोई बात। अभी हम जाएंगे होटल के लिए, लगभग लगभग हम एंट्री कर चुके हैं, बाद में देखेंगे। एंट्री कर चुके हैं, हमें यहाँ जाना है गाइस। गाइस फाइनली अपन पहुंच चुके हैं, ओह शिट गिरने वाला। फाइनली अपन पहुंच चुके हैं ब्राज़ील और जा रहे हैं अपन इमिग्रेशन के लिए। लेट्स सी। अरे इसमें क्या लेट्स सी भाई, भाई थक गए कसम से। 18 तारीख को निकले थे, 18 तारीख को पहुंचे हैं, बट अभी होटल पे जाएंगे, नहाए धोएंगे, फिर थोड़ा दो और दिखाऊंगा आसपास का। तब तक भाई बहुत ज़्यादा नींद आ रही है भाई, मैंने तो फ्लाइट में बहुत खाया, बहुत दिया, अभी सीधा भागना पड़ेगा हॉस्पिटल के लिए। जस्ट कड़ी ऐसा कुछ नहीं है, पर बहुत नींद आ रही है सच्चे में, क्योंकि सोया ही नहीं ना, तो इसलिए अभी जाके सोऊंगा आराम से, फिर सबसे मिलेंगे आराम से। ठीक है, तब तक तड़प है। ठीक है, हो फाइनली हम आ चुके हैं गाइस, फाइनल आ चुके हैं यहाँ पर ब्राज़ील। और ये हमारी मसूद का आ चुकी है, हमने सब सबसे खास बात क्या बताए? क्या कोई खास बात नहीं है, रहने 24 घंटे से रात नहीं हो रहा है। हाँ ना भाई, 24 घंटे से हमने देखा ही नहीं, मून तो देखा ही नहीं, रात नहीं देखा हम लोगों ने, दिन का दिन दिन का दिन। और फाइनली इतनी लंबी फ्लाइट, पहली लंबी फ्लाइट होगी ना, हालत देख रहे हो। 15 घंटे और उधर 5 घंटे और उधर फिर मेरा 3:30 घंटे। आपका तो बहुत, आपका तो हालत देखो कैसे हो गई है। 25 घंटे 24 आवर फ्लाइट चल रही है, 24 आवर फ्लाइट चले हुए अमित भाई गाइस। और यहाँ पे फौजी भाई अपने आ चुके हैं, सब लोग आ चुके हैं। भाई कितनी धूप है यहाँ पे, कौन हुडी लेके आया है? बट कोई ना भाई, फाइनली आ चुके हैं अपन। और अभी हम होटल जाएंगे, होटल पे रेस्ट करेंगे शायद से कल बाहर जाएंगे। जानता नहीं, पता है
ब्लॉग मिनी ब्लॉग डालना ठीक है, बहुत रीच आएगा मेरी बात सुनो मिलियंस व्यूज। यो गाइस फाइनली हमने चेक इन कर दिया है होटल में और सब चीज़ें कर ली, अभी सीधा चलते हैं कमरे में, सीधा कमरे में चलेंगे। अरे भाई सो अच्छा हो कमरा क्योंकि थक गया भाई मैं, थक गया। कमरा देख लेते हैं भाइयों। ओह शिट, चलो कमरा तो अच्छा है, बेड भी अच्छा है, मस्त है ऐसे व्यू। वाह अरे खुल जा, खुल ही नहीं रहा भाई। व्यू भी मस्त है, वहाँ पे समंदर दिख रहा है, पर वो समंदर नहीं है तालाब है, ऊपर से टेरेस पे से मस्त दिखेगा भाई। बहुत थक गया हूँ मैं, अभी जा रहा हूँ थोड़ा खाऊंगा पीऊंगा फिर सो जाऊंगा, ठीक है ना गाइस। गाइस वी आर एट रूफटॉप और भाई क्या ही सही लग रहा है, देख रहे हो ये पहाड़, वो बीच में बादल आ गए हैं भाई, ब्राजील है तो सही है भी। हो गया था अभी आँख खुली और फिर याद आया कि हाँ शायद से आउटरो भी नहीं बनाया, और सॉरी हाँ आउटरो ही नहीं बनाया, तो मैं उठ गया, मतलब जेट लैग ऑब्वियसली यार, इंडिया में अभी सुबह हुई होगी ना, कितने बजे वो देख पे जाया तो फिर देखा यार यार फ्लैश ही बंद हो जाएगा, दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा। अभी सोचना हूँ आपस से ये आउटरो बना के एडिटर को भेज के भाई फटाफट से एडिट कर देना ये सब चीज़ें आज के, और मिलेंगे अपन सीधा कल, और इंस्टा पे मिनी ब्लॉग्स आएंगे, फिर यहाँ पे शॉर्ट्स पे भी मिनी ब्लॉग आएंगे, और ऐसे फुल ब्लॉग्स भी आते रहेंगे, और कुछ हैवी सा फनी कंटेंट भी डालूंगा मैं, डोंट वरी गाइस।